watching me on Expose India. Keep watching. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निखार शर्मा। सिवनी के गुरई थाने की पुलिस पर युवक ने संगीन आरोप लगाए हैं। युवक सतीश का आरोप है कि उसे थाना प्रभारी द्वारा निर्वस्त्र करके मारा गया और फिर मुंशी गया प्रसाद मंगोरे के द्वारा 5,500 रुपए भी लिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश को सरपंच अशोक बट्टी की शिकायत में लाया गया था। युवक पर आरोप थे कि उसने सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज कर मारपीट की है। वहीं आरोपी युवक का कहना है कि गांव में सरपंच के द्वारा पुलिया निर्माण कराई जा रही थी जो गुणवत्ताहीन थी। गांव के लोगों के द्वारा जब आपत्ति उठाई गई तो विवाद की स्थिति बन गई, जिसके चलते सरपंच को पुलिस की शरण में जाना पड़ा। आपको बता दें कि आसपास के 4 गांव के लोग एकत्रित होकर थाने पहुंचे और सरपंच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिवनी से अवधेश सेन के साथ सुभाष बाकोड़े की रिपोर्ट। भाई साहब, आपके ऊपर पैसे लगने का इल्जाम और नंगा करके मारने का इल्जाम लग रहा है, तो आप क्या? भाई साहब, मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है, ना मेरे द्वारा कोई पैसा लिया गया है। ऊपर अनावेदक पक्ष के ऊपर मोनू के ऊपर 116 कार्रवाई की गई है, जो न्यायालय में पेश कर दी गई। उसके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। आपके द्वारा कोई पैसा नहीं है। पूरा नाम आपका? तो उसमें जो ICU साहब खुद ही आ गए हैं और रूबरू सभी से बात कर ली है। अभी सरपंच नहीं आया, जिस कारण से उससे अभी कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है। सर, युवक को नंगा कर मारने का और 5,500 रुपये लेने का ये आरोप लगाया जा रहा है। मैं बात किया था उसको, तो उसने नंगा करके तो नहीं बोला, कपड़ा खोले थे, उसमें मारपीट हुई है, तो मैं उसकी जाँच कर रहा हूँ और जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पैसे के लेन देन की भी कोई बात है? वह पैसे के बारे में भी मैंने बोला तो वो तो अभी किसी का नाम भी नहीं बताया। जैसे ही किसी का नाम बताता प्रकाश में आता तो कार्रवाई तो होगी। थैंक यू। हाँ, ये पूरी घटना क्या है बताइए और क्या क्या आरोप लगे आपको? सर, मेरा क्या खुदिया का काम चालू है वहाँ पर करिया में। वो सतीश उर्फ मोनू नाम का आया, बताया दारू पी के बकाया था और गंदी गंदी गाड़ी देने लगा, बताया ऐसा था वैसा को बोलने लगा जगह से काट डालूंगा, चेट डालूंगा, फायदा उससे खींचा ताली करने लगा। ऐसा मैंने 100 नंबर को लगाया फोन, बताया था 100 नंबर नहीं आ पाई तो मैं सीधा कुरे गए FIR दर्ज करके आया। मैंने बहुत पटांग डाल दिया। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो बच्चे साइन कराने आती हैं उनको भगा देते दलकार के। सर, मैं तो पुल सेवक और गाँव में भ्रष्टाचार करके रखे हो। गलत है सर, बकायदा मैं तो किसी से ही पूछ लीजिए, बकायदा मैं तो पुल सेवक कर रहा हूँ, बकायदा घर पुल से घर घर जाके। हाँ, तुम्हारे साथ क्या घटना घटी पूरी और क्या हुआ? सर, मेरे साथ में सबसे पहले ये हुआ कि मैंने अपने गांव के हित के लिए बोला सरपंच को, पुलिया निर्माण कार्य चल रहा था वहां जाके मैंने थोड़ा बोला उससे कि भाई ऐसा मत करवा, काम में गुणवत्ता कुछ नज़र नहीं आ रही है। तो उस विषय में मैंने उससे बात की तो उसने मेरे साथ बात भी बात किया वहाँ 2-4 बातों से। उसके बाद में उसने मेरी FIR दर्ज कर दी। उसके बाद में थाने से 3 बार फ़ोन किया मेरे पास में, मुझे बुलाया गया, मैं आया यहाँ, मुझे बिठाल के रखा गया 2 घंटे। उसके बाद में पता नहीं फिर DI साहब आए, उन्होंने मेरे कपड़े वपड़े उतरवाए, एक मुझे मारा भी और अंदर करवा दिया लॉकअप में। बस सर, इतना हुआ मेरे साथ ही। पैसे के लेन देन वाला क्या मामला? पैसे का कोई लेन देन नहीं सर, लेकिन यहाँ पर मेरे से पैसे भी मांग रहे थे। ऐसा है, पैसे के लेन देन कोई मामला नहीं? 5,500। अभी आपका कहना था कि आपसे 5,500 लिए गए, मांग रहे थे तो दिया, जब तो छोड़ा गया सर। पैसे दिए हो ना आपने? किसको दिए? सर जी, यहीं का स्टाफ था, ये जानकारी नहीं है, मैं घबराया हुआ था, फर्स्ट टाइम थाने आया हूँ सर, 32 साल की उम्र। तो कुछ पट्टी लगी थी लाल वाली या क्या नाम आपको देखे थे? लाल पट्टी तो देखा नहीं सर मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं उस विषय में देख गौर नहीं कर पाया। कितने पैसे दिए गुलाब? 5,500। पूरा नाम क्या है आपका? सतीश हरी। शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसे जिले के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राहुल खटिक ने 50 गांव में ग्राम चौपाल लगाई। ग्राम चौपाल का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। किसान मोर्चा के जिले उपाध्यक्ष
राहुल खटिक ने बताया कि ग्राम चौपालों का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार की योजना के बारे में किसान को जागरूक करना है। साथ ही प्रदेश सरकार ने एक पत्र ग्रामीणों को दिया है जिसमें ग्रामीण अपने सुझाव लिखकर प्रदेश सरकार तक भेज सकते हैं। उन सुझावों पर प्रदेश सरकार ध्यान रखते हुए किसानों के हित में कार्य करेगी। शिवपुरी से सचिन भट्ट की रिपोर्ट। आज आपके भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और ग्राम चौपाल लगाई जा रही है। इसे कितने गांव में ग्राम चौपाल लगाई जानी है, इनसे जनता को क्या कुछ लाभ होगा? हमने पचूर में विधानसभा में 51 चौपालें लगाई हैं। उन चौपालों में किसानों के बीच हमने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किसानों के बीच बैठ के बातचीत की है, किसानों से किसानों की समस्याएँ सुनी हैं और किसानों को बीच जाकर उनके लिए बताया गया है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है, क्या क्या लाभ दे रही है। और एक पत्रक दिया गया है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के तहत, जिन पत्रक में उनको किसानों को दिया गया है कि पत्रक किसानों को भरना है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और क्या क्या योजनाएं उनके लिए चला सकें, तो पत्रक भर के दें और कार्यालय पर जमा कर जाएं। आज जो है पूरे क्षेत्र में ग्राम चौपालें लगाई जा रही हैं, इससे ग्राम के किसानों को क्या कुछ लाभ होगा, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा पिछोर विधानसभा में 51 जो चौपालें लगाई गई हैं उनमें हम किसानों को जो किसानों से शिकायतें मिल रही थी कि हमारे पास योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो किसान चौपाल के माध्यम से हम हर किसान के पास गए और उनसे हमने चर्चा की डोर टू डोर और उन्हें समझाया कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में 101 योजनाएं चला रही है और इनकी जानकारी आपको हमारे कार्यकर्ता आकर दे रहे हैं। उसी तारतम्य में हम लोग गए थे और किसानों को हमने पूरी जानकारी दी। फिलहाल एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ निखार शर्मा के साथ। On Expose India, keep watching. Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India, keep watching. Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India.